धैर्या उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम् सम्मतम् सन्नानम् सच्चारित्तम् हि सत्तवम् चेव चौरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम्। भाग्यशाली महासंगियों, जरा विचार करो। अमुक जीव मरता है, अमुक जीव का जन्म होता है। यह व्यवहारी जनों का अत्यंत दारुण मोह है। सुधी जन, ज्ञानी जन, धर्मात्मा जन, साधक जन, कोई जन्मता है कोई मरता है, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। अज्ञानियों की, व्यवहार जनों की, मोही जनों की, अफवाहों के फैलाव की जो साजिश है, हम सब उसका डटकर निषेध करें, निरोध करें, नाकाम करने का प्रयास करें। इस मिथ्या मान्यता को नाकाम करने का एक ही उपाय है, स्वयं को शाश्वत मानना। मैं पहले था, आज हूं, आगे रहूंगा। लक्ष्मण की, मरे लक्ष्मण की महीनों तक लाश ढोने वाले बलभद्र राम, मोहित मति होकर उनको जिलाना चाहे, सो यह कैसे संभव है? जिस प्रकार व्यवहार में मरण अटल है, उसी प्रकार परमार्थ से देखो तो जीवन और अमरत्व अटल है। मरे हुए लक्ष्मण को जिलाने की भावना जिस प्रकार मोह है, ठीक उसी प्रकार हमारे अमर तत्व को, शाश्वत अनादि निधन तत्व को परमार्थ से विचारा जाए तो यह मरता है ऐसा विचार करना, यह व्यामोह है, वो मरता ही नहीं है। हमारे जीवन में सुख शांति का दूसरा रहस्य कुछ नहीं है। दरअसल हमारे ताले की चाबी किसी और के जेब में ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा भविष्य देखने के लिए किसी को हमारा हाथ देखने दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा मनोबल पर्याप्त है इसके लिए। पॉजिटिव थिंकिंग इसको कहते हैं। परमार्थतय आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन ना से शिव होय। थोड़ा विचार करो, राजा हरिश्चंद्र का नाम हम सबने सुना है, हम सबने सुना है, फेमस फॉर सत्यवादी थे। नाटक का मंचन चल रहा है, मंच पर नाटक के सभी सीन आते जा रहे हैं और वो अंतिम सीन आ रहा है। कौन सा सीन आ रहा है? राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में एक बात देखी। स्वप्न में राज्य किसी को दे दिया, स्वप्न में भी किसी को मैंने वर्ड दिया है, मैं उससे चूकूंगा नहीं। दिन उगते ही जो पहला भिखारी आया उसको राज्य दे दिया। और ज्ञानी धर्मात्मा प्रबल पुरुष हुई बातों पर ज्यादा विचार नहीं करते। दे दिया राज्य सो दे दिया। आप जानते होंगे कैसी प्रतिकूलताएं उस पर आई। एक चांडाल की नौकरी शमशान में करनी पड़ी। जो भंगियों की नौकरी करने में नाग भौं सिकुड़ते हैं, सत्यवाद के संरक्षण के लिए वो भी मंजूर हो गया।
बीवी बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मुझे नहीं पता। सत्य के संरक्षण के लिए सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है। नाटक चल रहा है, मंचन चल रहा है, सभा बैठी है, यहां पर तो बहुत कम लोग हैं। धर्म की चर्चा सुनने के लिए तो बहुत विरल लोग होते हैं। शुद्ध परिच्छिदानुबोधा सर्वस्य विकाम भोग बंद कहा। नाटक था, बहुत जन समुदाय था और वो हरिश्चंद्र की हालत देखकर कपड़े भी आज पहनने को नहीं है फिर भी डटा है सत्यवाद के संरक्षण के लिए। उसकी हालत देखकर एक एक जन रो रहा है। सभा में एक जन एक व्यक्ति है वो बिल्कुल रो नहीं रही है। वो व्यक्ति कौन होगी? वो व्यक्ति उसकी पत्नी है। जब पूछा गया ये तुम्हें कुछ भी नहीं लगता, ये पत्थर भी पसीज सकता है, तुम्हें कुछ भी भावनाएं नहीं है, कितने शुष्क दिल वाले लोग होते हैं, जानती हूँ रोज पीकर आता और मेरी बहुत पिटाई करता है। थोड़ा विचार करो, हरिश्चंद्र के नाटक के काल में भी उस हरिश्चंद्र के स्वांग को गौन जो कर सकने की हिम्मत करता है उसको आश्रुपात नहीं करना पड़ता। जो उसमें छिपे वाले मूल तत्व को देख लेता है, वो देख रही है ये मेरे पति है। हरिश्चंद्र दुनिया की नजर में हो सकते हैं, पज्जे मूड़ा ही पर समाया। जो स्वांग रूप देखता है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, जो मूल तत्व देखता है वो अप्रभावित ही बना रहता है। विचार करो, हमने एक एक स्वांग हम धारण करके ये मंचन चल रहा है। हम किसी को पापा मम्मी भाई बहन ऐसे स्वांग रूप जो जो भी देखेगा वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। कभी हर्ष भी करेगा, कभी विषाद भी करेगा। तुला एक तरफ झुकेगी तो दूसरी तरफ आएगी ही आएगी, और जितनी उस तरफ जाएगी उतनी ही इस तरफ आएगी। जितनी खुशियां जन्मदिन पर मनाई थी ना, एक साधारण बीमारी, उस संतान को साधारण बीमारी आए तो तहस नहस हो जाती है सभी आशाएं आकांक्षाएं। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब आपके भरोसे मेरा जीवन है, आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, इसको बचाओ। लाचार आदमी भीख मांगने के अलावा क्या कर सकता है, जिसने परद्रव्य में अपनी सत्ता मानी है। जो स्वांग रूप अनुभवता है, राम रावण के नाटक को देखते हुए कोई हर्ष कर सकता है, विषाद कर सकता है। रावण परस्त्री हरण कर रहा है देखकर, अभी रावण की कोई बात आ रही थी, भाई सब ले रहे थे यहां से, परस्त्री हरण की देखकर कितने जनों को गुस्सा आ सकता है। लेकिन जिसका हरण हो रहा है ऐसी नारी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जानती है ये रावण नहीं है, मैं सीता नहीं हूं। स्वांग रूप में अनुभव तो नहीं है। नाटक जब चलता है तब एक हाथ गाली देना भूल जाए रावण तो राम भी याद दिला सकता है, अभी तुम्हें नालायक गाली देनी है, दो ना बांध चलाओ ना। उसको आपत्ति नहीं है। आप सब समझने का प्रयास करें, जो स्वांग से भिन्न अपने तत्व को जानता है वो सुख संपन्न रहता है। सुखी होने की विधि और कोई दूसरी नहीं होती, नहीं हुई है और नहीं हुआ करती। क्या बताए, भगवान भी स्वयं को भगवान नहीं मानते। नभी हो दी अपमत्तो न पमत्तो, अभी मुझे क्लिष्ट विषय नहीं लेना है, मुझे सरलता से अपनी बात को जमाना है। स्फटिक मणि होता है स्फटिक मणि, जो जो डाक उसके संपर्क में आती है, लाल डाक आती है, वो स्फटिक मणि लाल दिखने लगता है। हमको लगता है कैसा पुजारी का, कैसा इस भगवान का चमत्कार है। सुबह हरी प्रतिमा थी, अभी लाल प्रतिमा है, फिर पीली प्रतिमा है, इसमें कौन सा रंग सही है? अरे जो पीली होती तो लाल क्यों होती, लाल होती तो फिर पीली क्यों होती? ना पीली है ना लाल है, उस सबसे भिन्न स्फटिक मणि की निर्मलता को देखो जानो। वो लालपना पीलापना असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, क्षणिक है। आत्म तत्व है, अरूपी है, चेतन है, ये नए नए भेष अंगीकार कर करके आता है। हम किसी को पर्याय रूप न देखे, जो पर्याय रूप देखेगा वो दुख से कभी भी बच नहीं सकेगा, दुख ही उसके लिए शरण है। पज्जे मुड़ा पर समाया, अभी कहा था छेड़ाला की बात बोलो, छेड़ाला की बात, बहिरात्मा की परिभाषा, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जैन दर्शन में आत्म पदार्थ क्या चीज है उसकी चर्चा चल रही है।
ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होता है। क्या कहा? ज्ञान जानने मात्र जानने के लिए नहीं होता। मैं तो कभी ये कहता हूं कि मदारी कोई खेल दिखाता है, एक घंटा हमने खेल देखा, बहुत मजा आया, और जब मदारी पैसे मांगने के लिए आया ये भीड़ काफूर हो गई, 9-2-11 होने लग गए लोग। उसी प्रकार जब यहां पर तत्वज्ञान बताया जाता है तब तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके फल की जब बात आती है, अब भेद विज्ञान करो, शरीर को भिन्न जानो, मोह राग मत करो, मत सजाओ इस चमड़ी को, जितने सजाओगे उतने और फंसोगे, बाहर निकलने में उतनी देरी होगी, मत करो। अनादि का संस्कार पहले ही है, नया रूढ़ मत करो, नया पोषण मत करो उसका। हमने 3 चरण देखे थे, कौन कौन से थे? जीव है, दूसरी बात हमने देखी थी स्वसंवेदी है, जानता है, थर्ड बात हमने देखी थी वो शाश्वत है, नित्य है। इस सबका फल ये है, निष्कर्ष, हमारे जीवन में भेद विज्ञान प्रकट हो। मोह के अभाव का फिर यही उपाय है। फिर खिड़की पर आज सुबह गाथा चली, जो जाने दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जेति हिम, सो जाने दी अपन मोह खलु जादि तस्सलयम। मोह का अभाव करना है तो भी यही उपाय है, आत्मा को जानो, और भगवान की शरण में यदि जाना है तो भी यही उपाय है, भगवान के बताए मार्ग पर चलना उनकी शरण है, और उनका मार्ग है। बाप को क्या अच्छा लगता है, पिता अपने अनुसार अपने पैरों पर खड़े होने लग गए तो पिता को और क्या चाहिए, सुरक्षित हो गए, अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। भगवान खुश तो नहीं हो सकते, लेकिन कदाचित खुश होते तो किस में, अब ये स्वतंत्र हो गया, रोजाना देव दर्शन करने के लिए आता था ना, ये आना बंद हो गया है, मेरा काम हो गया है। देव दर्शन के लिए, देव दर्शन करने के लिए आना बंद होना, ये देव दर्शन की सार्थकता है। हमारा रोजाना ग्रंथ पढ़ना बंद होना, ये ग्रंथ पढ़ने की सार्थकता है। हमारा विचार करना बंद होना, ये भी विचार करने की सार्थकता है। विरम विरम ये सब कोलाहल है, कितनी बड़ी रिस्क, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये रिस्क जैनेतर नहीं उठा सकता, वे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा भगत कल से हमारे पास नहीं आएगा, यहां पर भीड़ नहीं होगी। ये रिस्क सर्वज्ञ परमात्मा ही ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअली अ रिस्क, रिस्क विस्क कुछ होता ही नहीं। इन सबका निष्कर्ष इतना ही रहा, फिर आज और नए प्रकरण की तरफ बढ़ना है। हम हमारे जीवन में भेद विज्ञान प्रकट करें, हम अभी से ऐसा संस्कार दृढ़ रूप से डालने का प्रयास करें, और आचार्यों ने तो गारंटी दी है, षण मासम एकम, जो 6 महीने के लिए लगातार यह देह मैं नहीं हूं, यह देह मैं नहीं हूं, ये चेतन इसको जानने वाला मैं हूं, ऐसा 6 महीने लगातार जो रट लगाएगा मुंह से नहीं, ऐसा भाव वही उसकी धारा चलेगी, 6 महीने में उसको उसका बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर वो चढ़ जाएगा, आत्मानुभव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको ये मैजिक हो जाएगा। और ये मैजिक ऐसी है कि संपूर्ण विश्व बदला बदला सा दिखता है, वस्तुएं वही होती है लेकिन सब बदला बदला सा दिखता है। जिस बात को लेकर कल हर्ष विषाद करता था आज वो कुछ भी मायने नहीं रखता। वही सीता है जिसका वियोग रामचंद्र जी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और बेहोश होकर गिर गए थे, ये संबल रामचंद्र जी को किसने दिया? सीता ने आकर फिर से ऑफर किया ऊपर से 16वें स्वर्ग से, हे राम कितना डिगाने का प्रयास किया, लेकिन अब वो बात नहीं रही। सीता भी, सीता का जीव भी है, राम का जीव भी है, लेकिन अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। राम बचाओ ना, कुछ करो ना, अब वो बात नहीं रही। जिसके पीछे रामायण खड़ा होता था, ऐसा राग ही जब समूल नष्ट हो जाता है तब कौन किसकी तरफ देखे, सब अपनी अपनी रक्षा करे, सभी अपने स्वयं रक्षित ही है ऐसा स्वीकार करे। दो द्रव्य जीव और आत्मा, दो जीव और शरीर, यहां पर दो द्रव्य है, उसको दो भिन्न भिन्न रूप से जाने। लड़की भी है घर में, लड़का भी है घर में। लड़का यदि ये कहने लग जाए पापा जी मैं अलग हो जाऊं, ये बात सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते पिताजी।
और लड़कियां कहे पापा जी मैं शादी नहीं करूं, इस वचन से भी कितने चिंता के बादल छा जाते हैं। खुशी खुशी वो लड़की को विदा घर से करता है, उसका एक ही रहस्य एक ही राज है। जैसे ही जन्म लड़की का हुआ था वो संस्कार दृढ़ करता गया था ये पराया धन है। आज लड़की का जाना उसको दुख का कारण नहीं है, इसकी भूमिका बहुत पहले चालू हुई है। और जब जैसे ही पैदा लड़की हुई थी पहली न्यूज भी जो सुनाई थी परिचारिका ने, परिचारिका समझते ही भाषा, परिचारिका ने सबसे पहली खबर यही सुनाई थी बारात आएगी। पराय धन के रूप में ही भाषा बताई थी, होने को ब्रह्मचारी भी हो सकती थी, होने को तो दीक्षा भी ले सकती है, आम प्रचलन बारात आएगी, ये पराय धन है, ये पराय धन है, ये पराय धन, पराय धन, पराय धन, पराय धन, पराय धन, पराय धन। बराबर 18 साल तक वो धारा चली, आज उसका वियोग हमको कुछ भी खलता नहीं है, पैसा देकर रवाना करते हैं, और ये लड़का मेरा है, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की काठी बनेगा, लाठी बनेगा, सहारा देगा, यही पानी पिलाएगा, यही सेवा सुरक्षा करेगा, समाधि यही कराएगा। अब उसकी कल्पना, विपरीत परिणमन की कल्पना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जैसा संस्कार डालेंगे, निष्कर्ष बोलो, निष्कर्ष देह जुदा जीव जुदा, इतना ही तत्व का सार है। देह में अभी से संस्कार डालो ये मेरा नहीं है, देख लो उसका मजा अभी से चालू हो जाएगा। और देह विलय के काल में वैसे आकुलता कदापि ज्ञानी को नहीं होती जैसे अज्ञानी को होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञानी साधक जीव के तत्काल तो एक लाभ होता है और लॉन्ग रन में एक लाभ होता है। तत्काल तो यह होता है कि कुमरण टलता है और लॉन्ग रन में मरण ही टल जाता है। क्या बोला मैंने, जो स्वयं को अमर देखता है तत्काल तो एक लाभ यह होता है कि उसका कुमरण टलता है, हाय हाय करके मरता नहीं है, भीख नहीं मांगता है, यह हुआ मुझे अकेला छोड़ो की भाषा करता है। क्या कैसी भाषा करता है, लीव मी अलोन, आई एम इनफ। क्या कहा, यह अकेले की दम है, अकेलापन ताकत है। लोक में भी देखो ना, लोक में भी देखो, ए हमसे पंगा नहीं लेना, हम 10 जन हैं, मैं अकेला काफी हूं, जब चाहे आ जाना, दिस इज इनफ, मैं अकेला काफी हूं, मुझे 10 जन की आवश्यकता नहीं है। उसकी जीत हो चुकी है, वो 10 जन आने वाले नहीं है। संख्या से जीत नहीं होती है, दृढ़ता से होती है, गांधी जी ने सिद्ध किया है। निष्कर्ष, भेद विज्ञान हम सबको करना है, दो वस्तुएं हैं उसको दो रूप जानना है, इतनी ईमानदारी है। एक बहुत टाइम पहले की बात है, छन्ने आए थे, कपड़ा आया था, कपड़ा उसके सेक्शंस बनाने थे, अलग अलग करने थे, कोई कैंची से उसको अलग करना चाहे वो ठीक से नहीं होगा, और कैंची से थोड़ा सा कट किया और बराबर उसको फाड़ते चलो, दो भाग होंगे उसके, ऐसे सीधा कैसे हो जाता है वो दोनों, यहां वहां क्यों नहीं जाता तिरछा, क्योंकि वे जुदे हैं, पहले से ही जुदा है वो अंदर में। आप समझ रहे मेरी बात को, ताना बाना पहले से ही जुदा है, जुदा थे। टोडरमल जी की भाषा बोलो, कोई टोडरमल जी की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जुदा थे सो जुदा हुए, जुदा न होते, जुदा थे तभी तो जुदा हुए, दुनिया को तो होता दिख रहा है क्योंकि वो इसका स्वभाव है, नेचर में है। हम लकड़ी को बराबर आधा तोड़ना चाहे ऐसा नहीं होगा, कारपेंटर को बुलाओ, कारपेंटर बराबर एक चीजल लगाता है, चीजल समझ में आती है, छैनी, बराबर एक पॉइंट पर लगाता है, बराबर एक घाट देता है, बराबर दो फाड़ कर देता है उसको, वो अलग पड़ा है अंदर, उस अलग पने को बराबर संधि पर जो घाव देता है, दो होते पहले दो देखो, दो देखो, घबराओ मत, एक पॉइंट पर स्ट्राइक करना है, समझ में आती है। ये सब सबका प्रयोजन इतना ही है, हम भेद विज्ञान करें। आत्मा की सिद्धि और आत्मा की नित्यता की सिद्धि, इसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच भी यहां से किया जाएगा अभी, और दृढ़ता से स्थापित करेंगे कि आत्मा है, इस शरीर से भिन्न है, और आत्मा मरता गलता टूटता नहीं है। जैसे कल बात आई थी, एक गाड़ी में कौन यात्री कब उतरता है, कौन यात्री कब उतरता है, ये थोड़े से काल के लिए, थोड़े मियाद के लिए शरीर हमारे संपर्क में आया,
आचरण एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, दिग्देशे भे खगाये ते सम वसंती नगे नगे, देश क्या आगे स्व स्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अपने अपने प्रयोजन से पक्षी जाने कितनी दिशाओं में उड़ के एक पेड़ पर आते हैं। जो मेले में पंथी जन मिली नेह धरे फिरते, त्यो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते, और दिन हो गया सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। व्यामोह करना ठीक नहीं है। थोड़े काल के लिए हमारे संपर्क में यह शरीर आया है, मैं बीवी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। बीवी बच्चे से भेद विज्ञान होना बहुत सरल है और दिन में दसों दफे हमको होता रहता है, झूठा ही सही होता रहता है, झूठा ही सही होता रहता है, होता रहता है। हम माथा ठोकते रहते हैं, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। लेकिन इस देह से थोड़ा भी भेद विज्ञान हमको हुआ हो ऐसा अतिशय चमत्कार आज तक नहीं हुआ है। इसलिए परमार्थ से स्त्री पुत्र आदि से भी हमको भेद विज्ञान नहीं हुआ है। साइंस क्या कहते हैं देखते हैं। साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि दो प्रकार की ऑब्जेक्ट्स है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। विज्ञान से भी यह बात सिद्ध करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहकर क्या कहना चाहते हैं वे, और लिविंग ऑब्जेक्ट की कुछ परिभाषा भी उन्होंने दी है जिनमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यह सब होता है तो उसको लिविंग बींग कहना। सांसारिक जीव की ही तो परिभाषा वे दे रहे हैं। हमारे भी जीव कांड में जो मार्गणाओं का वर्णन है वो सांसारियों की तरफ से वर्णन है पूरा। तो लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बराबर उन्होंने बताया है। इसको विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जीव है। अब हम थोड़ी सी लोक भाषा को देखते हैं, लोक भाषा में भी कैसे हम उसको मानते हैं। लोक में कहावत चलती है, जान है तो जहान है, कभी सुना है? जान है तो जहान है, सुना है कभी? और सुना होगा आपने, डॉक्टर एक बात कहता है कोई मरने के बाद, ही इज नो मोर, क्या कहता है? लेट अस आस्क हिम अबाउट हुम ही इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात करते हो तुम जिसको लेकर तुम ये बोल रहे हो अभी कि वो नहीं है, वो मतलब कौन? जुदे जुदे दो तत्व यहां पर है, और ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कौवा भी जब पहचान सकता है, कौवा भी जब पहचान सकता है सजीव बॉडी, तो वही की वही बॉडी है, आज सजीव कहलाती थी क्योंकि जीव के साथ है। बायोलॉजी में और एक वर्ड है सजीव कहते हैं, वे क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, सजीव का मतलब क्या होता है शब्दशः अर्थ? सजीव, जो हम सचित कहते हैं वो सजीव कहते हैं, चेतन सहित, चेतन नहीं कहते हैं, चेतन सहित है ये पुद्गल। लोक में तो पुद्गल ही दिखता है इसलिए वैसे ही व्यवहार चलता है। साइंस से हमने सिद्ध किया। अभी थोड़ी सी चर्चा करने का भाव है पुनर्जन्म, पुनर्भव से थोड़ी सी सिद्धि करी जाएगी। अभी किससे सिद्धि होगी? पुनर्भव पुनर्जन्म से। थोड़ा और एक बार मैं आपको ये बोल दूं पहले से, तो हमारे संबंध भद्र स्वामी हुए हैं, उन्होंने आप्त मीमांसा कारिका लिखी है जब लगभग आज से 1800 वर्ष पूर्व, उसमें कारिका उन्होंने लिखी है, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपर बैरिषु। आपको नहीं आता होगा अर्थ तो आप चिंता न करें, अर्थ तो मैं बताऊंगा आपको। ज्ञान में आए एक एक चीज मेरी नहीं है, यह आचार्य ने लिख रखी है सब। आचार्य ने कहा है कि जो पुनर्भव की चर्चा जैन दर्शन में है, कुशला कुशलम कर्म, पुण्य और पाप के कर्म का जो फल जैन दर्शन में बताया गया है, परलोक, परलोक शब्द आया था अभी मैंने बोला था, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित, परलोक की चर्चा जो जैन दर्शन में है अन्य किसी भी दर्शन में ऐसी चर्चा आपको सुनने पढ़ने नहीं ही मिलेगी। इतना विस्तृत वर्णन एक एक भाव से कौन सी गति में जा सकता है? तिरेंश में जाएगा तो एक इंद्रिय जाएगा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय में भी जाएगा तो स्थावर में कहां जाएगा?
पृथ्वी का एक में भी जाएगा तो सूक्ष्म होगा, बादर होगा, उसके 36 भेद मैं गिनाना नहीं चाहता। इतना सूक्ष्म निरूपण अन्यत्र कहीं नहीं है। वैसे सिद्ध क्या करना है हमको पुनर्भव से? जीव है एक बात, सेकंड बात, और वो शाश्वत है। पुनर्भव से क्या सिद्ध करना है हमको? जीव था, मैं पहले भी था, आगे भी रहूंगा। हु कौन छु, क्या थी थयु, आगे शु स्वरूप छे, मारू करू, इतना विचार करना है ना। क्या मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। बस अब पुनर्भव की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। मैंने तो एक पुस्तक देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, टीवी पर भी दिखाया गया जब हम टीवी देखते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म से ही पूर्व भाव की बातें बताते हैं। मैंने खनियाधाना में रहता था, मैंने तो मेरे सामने देखा, सामने एक एमएलए रहता था, तो एमएलए को उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ 3-4 साल का। उनके घर ने उनके यहां पर कोई मर गए एमएलए के घर कोई मर गया, बाप दादा कोई मरा होगा, और मरा और सामने वाले घर में एक बच्चा जन्मा। उसी समय में वो लड़का 3-4 साल का जब हुआ, वो पूरी बात कहता था सामने वाले की। वो कहता था इसका इतना चोरी का माल है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, बिल्कुल मेरे सामने की घटना है। उसने बहुत गरीब घर का था वो आदमी, उसने कहा तुम ये बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हें जो पैसा चाहे वो दे दूंगा। हो सकता है वो भी तैयार होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसने किसी ने उसको ये बताया कि गोबर खाने से विस्मरण होता है, तो उसने खूब गोबर खिलाया बच्चे को। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ये पूर्व बहू का मेरा बाप, मैंने कल भी आपको बताया था, ये मेरे रास्ते का कांटा बन गया है। आज ये पोल पट्टी खोल रहा है। मुझे तो दूसरी बात बतानी है, कोई राग द्वेष की दूसरी बात नहीं। मेरी तो क्या बात कहनी है? आत्मा है, उसका पुनर्भव है। भोपाल से एक पुस्तक निकली थी, उसमें 100 ऐसी घटनाएं थी। वो बराबर अपने पूर्व भाव की बताते हैं, ऐसी ऐसा था, ऐसा था। हम अपने अभी पुराणों को खोल के देखते हैं थोड़ा सा। पूर्व भाव का स्मरण, इसको एक शब्द है जाति स्मरण। सम्यक दर्शन में एक निमित्त का है जाति स्मरण, पूर्व भाव का याद आना। तीर्थंकरों का कोई जीवन चरित्र याद कर सके तो करो, पार्श्वनाथ का जी, नवा बहु पूर्व, हाथी की पर्याय, ख्याल में आ गया? कमट और मरुभूति, मरुभूति मरा, जैसे मरुभूति मरा यह हाथी बन गया था उसी जंगल में, और उसी का राजा वो अरविंद मुनि बन गए थे, और यह हाथी तहस नहस कर रहा था पूरे जंगल को। मुझे पुराण नहीं सुनाना है, वो हाथी को जैसे ही उपदेश सुना, उसने वहां पर अणुव्रत धारण किया था, अणुव्रत पंचम गुणस्थान, और इस स्तर का कि फिर उसने समाधि संलेखना ले ली थी। आप जानते हैं कि तालाब में फंस गया था फिर बाद में, और फिर उसको ख्याल में आ गया अपन बाहर नहीं निकल सकते, संलेखना ले ली थी, समाधि ले ली थी। कहना क्या है, यह जाति स्मरण पूर्व भाव का स्मरण हुआ। मैं थोड़ा और एक तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक प्रश्न ऐसा आया था 2-3 दिन पहले, ब्रह्म कुमारी का ग्रुप है कोई? सब बहुत सारे ग्रुप्स है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे पास क्या नहीं था जो हम यह वह ताक झाक करने लग गए। और पहले तो हम अपना अच्छे से अध्ययन करें। बहुत जन पूछते हैं इनका सुनने तो क्या दिक्कत है, उनका सुनने तो क्या दिक्कत है। अरे हम कंगाल है क्या? कितना समृद्ध जैन शासन है हमारा, कोई भी प्रश्न आपका अनुत्तरित यहां पर नहीं रह सकता। इस सभा में कुछ भी अनुत्तरित नहीं रह सकता। सभी जैनेतरों ने आकर यहां पर हाजिरी लगाई थी और जैनेत्व अंगीकार किया था। देखो ना, अपने एक नहीं दो नहीं 11-11 गणधर सब ब्राह्मण थे, जैनेत्व की शोभा बढ़ाने वाले ये विद्यानंदी, ये ब्राह्मण थे अपने। हम यहां वहां क्यों जाते हैं? और जाने के पहले इतना ज्ञान कर लो ताकि आप भटक नहीं पाओ।
क्योंकि कोई गलत बात आपके दिमाग में आ गई ना, उसको मिटाना बहुत कठिन है। खैर, बात तो यह कहने की है, वे ऐसा मानते हैं कि मनुष्य मर के मनुष्य ही होता है। क्या मानते हैं? तिर्यंश मरेगा तो तिर्यंश ही होएगा। अब ये नरक मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं, नहीं मानते हैं, मैं अभी नहीं खोल रहा हूं पत्ता, मुझे तो खोलना ही है सब। अभी वे क्या मानते ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे मानने में एक बहुत बड़ी आपत्ति है। मनुष्य मर के मनुष्य ही होगा तो सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्यपने का अभाव करके सिद्ध गति हो सकती है? यदि गत्यांतर हो सकता है, यदि मनुष्य गति का अभाव होकर सिद्धावस्था हो सकती है, तो गत्यांतर क्यों संभव नहीं है? और फिर नहीं संभव नहीं है तो या तो यह मानना पड़ेगा मनुष्यों की ही बपोती है मोक्ष होने की, अथवा यह मानना पड़ेगा फिर चारों गति से मोक्ष होता है। और चारों गति से मोक्ष हो सकता है ऐसा मानना बहुत ही अरमणिक लगता है, बिल्कुल भी कुछ मजा नहीं आता है। दिगंबर दीक्षा धारण करना पुरुषार्थ से, पड़गाहन विधि से भोजन लेना, इतना तपश्चरण करना आदि, यह सब कुछ संभव नहीं होगा वहां पर। वहां पर जो भी होता है सब नियोग होता है। क्या नरक में सब नियोगवश? भूखे मरना है तो नियोग से, देवगति में समृद्ध रहना है तो नियोग से, तिर्यंश में जो हाल है सो नियोग से। एक मनुष्य ही ऐसा है जो बुद्धिपूर्वक कमा भी सकता है और एक झटके में छोड़ भी सकता है, नियोग वियोग कोई बीच में नहीं आता। संयम तपश्चरण यहीं पर कुछ हो सकती है बात। पूर्व भाव का जितना भी भाव भवांतर है और व्यंतर प्रत्यक्ष भी आकर बताते हैं पूर्व भाव की बातें। आप लोगों में से किसी को अनुभव होगा? है कुछ? नहीं है, नहीं है ऐसे किसी को अनुभव कुछ। पूर्व भाव के व्यंतर आकर, मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, ये जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था कब हुआ था? 1914। सेकंड ये दोनों वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं, आप मेरे पास आएंगे मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा आपको, जितने सैनिक मरे ना उन मरे हुए सैनिकों ने ही जिंदा सैनिकों को विधि बताई जीतने की, कैसे अटैक कर सकते, क्या कर सकते, व्यंतर बनकर। क्योंकि नरकगामी जीव तो यहां आते नहीं और मनुष्य आता तो सीधा ही आता सामने, पैसा रूपी अदृश्य होकर क्यों आएगा? और वो बताता है पूरी आप बीती अपनी, मैं पूर्व भूमि यह था। यहां पर भी बहुत केसेस ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, सुसाइड करके कोई जाता है, कोई किसी कारण से परेशान करने के नाम पर, किसी के नाम पर वो आता है और पूरा बताता है अपना अंतर। परेशान करने के रूप में आता है, भलाई के रूप में आता है, अपने से बातें भी करता है और बोलता है पूर्व भूमि अब मैं वहां पर हूं, ये हूं, ऐसी पूरी बात होती है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत जन है, परेशान करने के लिए भी आने वाले हैं संपर्क में और भलाई के लिए भी है। कल्पना बहन है ना, उनको बहुत टाइम पहले के अंतर आते थे और वे अंतर इसलिए आते थे, एक उनके धर्म पिता थे शांतिनाथ सोनाज अकलूज में, तो वो बार बार ये, और शांतिनाथ सोनाज थे और उनकी वाइफ थी, माता थी समझ लो, तो वे बार बार जब होश हवास में थे, अच्छा था उनका, वो बार बार कहते थे आप मेरी समाधि करा ना कोई प्रतिकूलता आई तो, और पाप का उदय ऐसा रहा अंत में 4-5 साल कोई होश हवास नहीं रहा उनको, उनको कुछ भी होश आवास नहीं, किसी को भी नहीं पहचान सकते थे, लड़का लड़की कहीं कहा लैट्रिन बाथरूम कहा क्या, कुछ कुछ नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं। ये जेंट्स के कपड़े, ये लेडीज के कपड़े है, कभी तो साड़ी पहनकर बैठ गए, कुछ नहीं समझते थे। अल्जाइमर डिसीज होता है, अल्जाइमर आप जानते हैं, जिसमें सभी सब कुछ स्मरण खत्म हो जाता है, ये उनको डिसीज हो गई। तो बार बार वो उनकी तो वाइफ तो पहले निकल गई थी माता जी, तो बार बार आती बहन के पास, वो नींद में से उठाकर बोलती, वो बार बार वो बोलते थे तुमको समाधि करना, अब तुम समाधि कराओ उनकी, तुम अभी पीछे मत हटो पीछे जाओ वहां पर जाओ, बराबर बार बार। अरे कौन धक्का दे रहे, एकदम ख्याल में तुरंत टॉक चालू,
आपने वादा किया था समाधि कराएंगे और अभी वे परेशानी में है वहां पर, अब जाइए जल्दी जाइए वहां पर, उनको संबोधन करना है। प्रायः इस काल में तो खराबी करने के लिए आते हैं व्यंतर, वैसे बहुत रेयर केसेस है कि अच्छे काम के लिए आते, लेकिन अभी चर्चा अपनी इसकी नहीं चल रही है। चर्चा तो इतनी भर चल रही है, क्या चल रही है कि जीव शाश्वत है, संसारी जीव का अभी अभी बात चल रही थी ना, दौड़ा दौड़ा चार गति में दौड़ा, वही जीव चार गति में दौड़ता है, उस जीव को पकड़ना है हमको। प्रवचन सार में बहुत अच्छा उदाहरण एक आया है, एक रत्न को ये हाथ पर रखते हुए चारों कमरों में से लेके जाए, बोलो रत्न का क्या बिगड़ेगा, रत्न तो कोई भी कमरा हो तो प्रकाशित करेगा। ये चार कमरे मतलब कौन है, ये चार गति में, ये प्रवचन सार की टीका में उदाहरण आया, ये चेतन रत्न चार गति में से गुजरता हुआ अपना परमार्थ स्वरूप को, चेतन साधना को स्वरूप को नहीं छोड़ता। लोक में भी जो शब्द है ना उसको भी हम थोड़ा सा देखें, कोई मर गया क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया, इससे क्या फलित हुआ, इससे यह फलित हुआ, क्या फलित हुआ कि देह जीव मनुष्य मर के देव हो सकता है। पहली बात तो यह पक्की हुई कि वो है, वो मरा नहीं है। कल मैंने कहा था यहां नहीं दूसरी जगह और कहीं, पहले और कहीं था फिर यहां आया, अभी यहां से फिर और कहीं चला गया, रोने की क्या आवश्यकता है। दो ही बातें होती है पुद्गल में, अभी पुद्गल की थोड़ी विचार करें, दो ही बातें संभव है, रूपांतर और स्थलांतर। क्या कहा, इसका अर्थ खोल सकेंगे, जैसे चौकी है हम कहते चौकी हुई, तो चौकी मतलब कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अ थिंग दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ट्रंक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ डेस्क नाउ। वो जो लकड़ी थी उसको काट पीट कर ऐसा बना दिया, इसको अच्छी भाषा में बोलो दिस इज रूपांतर। नया कुछ नहीं होता है, नया कुछ नहीं होता है, क्या हुआ है ये सब रूपांतर हुआ है। हमने नया घर बनाया, नया घर नहीं बनाया है, वो नया नहीं है कुछ भी, वो सब मिट्टी आदि के परमाणु मिलकर ये साकार रूप हो गए, ये पुद्गल के ढेर रूप हुए। मिट्टी का वैसा पहले ढेर था, अभी ऐसा 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 ढेर बन गया, ये दिस इज ऑल्सो ढेर इन अ पर्टिकुलर डिजाइन। आप सब समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूं, रूपांतर ये हुआ, और यहां से चौकी वहां चली गई तो क्या हुआ, ये स्थलांतर हुआ। दो वस्तुओं के अलावा तीसरी कुछ भी बात नहीं हुआ करती, सब समझ रहे। जो आज हम गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, वो सब है क्या एक्चुअली, वो है क्या, वो पृथ्वी का एक कभी रहा होगा उसमें, आज उसको ठोक पिट कर जला कर आज उसको एक ऑर्नामेंट के रूप में आया, पहले तो वो एक जीव था ना कोई। अरे आप समझ रहे कि नहीं, ये पृथ्वी का एक है कि नहीं, ये सब डायमंड ये क्या है, ये पृथ्वी का एक है, ये उसमें से जीव निकल गया, ये पृथ्वी का रह गया, उसको मतलब एक प्रेत से दूसरे प्रेत की हम शोभा बढ़ा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डेड बॉडी बिलीव। ये क्या है, ये सब दिस इज ऑल्सो डेड बॉडी, ये भी वनस्पति का एक, जीव निकल गया था इसमें से, जीव निकलने के बाद फिर आया, अहिंसक पद्धति इसलिए हम पहनते हैं इसको, और इतना पुरुषार्थ है नहीं कि बिना पहने काम चलाए। एक डेड बॉडी से दूसरी डेड बॉडी का श्रृंगार कैसा, आप सब समझ में आती। दो ही बातें संभव है, एक तो रूपांतर और एक तो स्थलांतर। जीव इस गति से इस गति में आया, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है इसको प्रॉपरली बोलो। अभी दोनों बातें हो सकती है, एक रूपांतर भी हुआ और स्थलांतर किसी अन्य स्थान पर था, इस स्थान पर आया, वरांग चरित्र में तो यहां तक आया, वरांग चरित्र में तो यहां तक आया, पति पुत्र हो सकता है। क्या लिखा, इसी बहू की बात कर रहा हूं मैं, पत्नी के साथ भोग किया, गर्भधारणा हुई, गर्भधारणा होने में जैन शासन ऐसा मानता है कि 7 दिन तक हो सकती है, संयोग होने के बाद पति मर गया, वो बेटे के रूप में जन्म आया भी। आप समझ रहे हैं, बड़े नाटक है, बड़े नाटक है। मैं किसको भोगू समझ में नहीं आता, मैं जिसको भोगने जाता हूं वो किसी न किसी भाव की मेरी मां बहन तो लगती ही है, इस भाव की
माँ बहन को छेड़छाड़ नहीं करना, यह तो सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन हम संकीर्ण दृष्टि वाले नहीं है, वी आर नॉट नैरो माइंडेड, हम व्यापक दृष्टि वाले हैं। हम अनादि निधन देखते हैं, मैं किसको भोगूं समझ में ही नहीं आता, किसको भोगना। अच्छा, लोक प्रचलित शब्दों की तरफ थोड़ा हम देख रहे थे। स्वर्गवासी, स्वर्गवासी बताता है मनुष्य। अच्छा, हम भावना तो खराब नहीं भा सकते, कितना भी खराब आदमी मरा होगा हम तो यही कहते हैं स्वर्गवासी, और दिवंगत हो गए कहते हैं। दिवंगत सुना है कभी? दिवंगत क्या चीज है? दिव्य धातु से बना, देव, देव गति में गए, देव लोक में गए। कैलाशवासी, कैलाशवासी क्यों कहते जानते? आदिनाथ भगवान का, वे शंकर का मानते हैं, कैलाश पर्वत से मुक्ति। तो फिर वो उस, अब वे तो क्या मानते हैं, वे तो स्वर्ग ही मानते हैं, तो देवगति मतलब कैलाशवासी कहने लग गए उनको। ये सब ये दिखाता है, क्या दिखाता है? लोक परलोक है, हमारी भाषा में बैठा है ये, रोजाना हम बोलते हैं। जीव मरता नहीं है, नए कपड़े धारण करता है अपने अपने अपराध के अनुसार। और चारों गतियां हम सब पढ़ते हैं गतिया पाठ में, बोलो, सभी चारों गतियां अपराध के भोगने के स्थान है, एकमात्र वितराग भाव ही निरपराध दशा है। देवगति भी अपराध के ही भोगने का एक स्थान है, समझ में आता है? हमारे तत्व और सूत्र का छठवां अध्याय यदि कोई पढ़ता है, तत्व और सूत्र का छठवां अध्याय कोई पढ़ता है, उसमें खुलकर बात मिलेगी आपको। मनुष्य एक ऐसा जंक्शन है, जैसा परिणाम करता है वैसा होगा। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करेगा, अभी अभी बात आ रही थी, मायाचारी करेगा, बोलो, माया तैरग्योनस्य, तत्व और सूत्र का सूत्र है, मायाचारी करेगा तिर्यंश बनेगा। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्यस्य, बहुवारं बहु परिग्रहत्वं नारकी, स्वभाव मार्तवंच मनुष्य, फिर दे मनुष्य, सराग संयम संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तपासी, बोलो, दैवस्य सम्यक्त्वंच, सम्यक तो करने वाला भी देवगति को प्राप्त होता है। हमारे यहां मनुष्य चारों गति को प्राप्त हो सकता है, जैसा परिणाम करेगा वैसा फल होगा। इसलिए मानव की कीमत है यहां पर, इसलिए मैंने कल बताया था देवानुप्रिय, ऐसा विरासत में ही इसको टाइटल मिला है। अब डिक्शनरीज खोलेंगे, उसमें आदमी का एक नाम मिलेगा मनुष्य के लिए, देवानुप्रिय। देवानुप्रिय मतलब जो देवों को भी प्रिय है, क्योंकि यहां पर सब हो सकता है, जैसा परिणाम करेगा वैसा फल पाएगा। हम किसकी सिद्धि कर रहे हैं यहां पर? जीव है और नित्य है, और ये नए नए स्वांग क्यों धारण करता है? स्वांग में जो एकत्व करता है, जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा मिलता है। दर्पण के सामने जितनी देर खड़े रहोगे, मैं ऐसा दिखूं मैं वैसा दिखूं, तुम्हें वही मिलेगा। जितनी देह में परत्व बुद्धि करोगे, ये न्याय है, जो जिसको मांगता है वो मिल जाता है यहां पर। जो पर्याय के में अटैचमेंट रखता है उसको पर्याय मिलती रहती है, और जिसको जो पर्याय से डिटैच हो जाता है उसको नहीं मिलता। फिर वो आपत्ति को नहीं, झमेला नहीं झेलना पड़ता यहां पर। आप समझ रहे हैं बात को? अभी और एक नया प्रकरण, इसी में क्या सिद्ध करना है? जीव शाश्वत है। थोड़ा ध्यान देना। फिर मैं सोच रहा हूं आज ये प्रकरण पूरा करके कल नया एक टॉपिक लिया जाए, जैन दर्शन में स्वाध्याय। ये मैंने कल का सोचा है, वो शायद एक पीरियड में ले लूंगा मैं उसको। आज उसको पूरा करना है, हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे। बहु भवांतर है, और कैसे सिद्ध हो सकता है? देखो, ऐसे सिद्ध हो सकता है, एक नया जन्मा बच्चा है, दो बच्चों को खड़ा करो आप, एक इस घर वाले को बुलाओ, एक इस घर वाले को बुलाओ, ओके? अब देख सकते हो कोई गोरा है, कोई काला है, आदि 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 सब है, कोई अमीर के घर जन्मा, कोई गरीब के घर जन्मा। अभी ये सब बातें नहीं कहनी है मुझे, वो तो सब आप समझते हैं। किसी कोई कोई तो ऐसे घर में जन्मा है जो कितना वैभवशाली घर में जन्मा, उसने क्या किया? उसने किया है, पूर्व भव का है आपने उसका संचित। और किसी के भाग्य में ये है, फुटपाथ पर जन्मा है, और उसके माँ बाप यही ट्रेनिंग देते हैं उसको, क्या ये कटोरा ऐसा पकड़ना बेटा, ऐसा मांगना, मांगो मांगो मांगो। रेल में देखा है कभी? ओ, बहुत खराब हालत है। 4-5 साल की गुड़िया, वो कहते मम्मी खाने को दो, जाओ पहले मांग कर आ जाओ। कई बार देखा होगा आप लोगों ने। अब उसके जीवन में ही ये है, उसको क्या करे। और हमारा प्रथमानुयोग बोलो,
प्रथमानुयोग बोलो, हमारा प्रथमानुयोग बोलो, प्रथमानुयोग अकृत पुण्य, अकृत पुण्य। कितनी करोड़ दिनार का मालिक, कितनी 200 करोड़ दिनार का मालिक उसके पिता। और जैसे ही गर्भ में आया, पहले तो पिता मर गए, गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, जो मुनीम था नौकर वो बन गया यजमालिक, और उसी के यहां बर्तन मांजना करना, ये सब हो गया। सब कुछ हो सकता है यहां पर सब कुछ हो सकता है। अरे भाई, ये ऐसा शासन है जहां पर चक्रवर्ती को भी सीधी सातवीं पृथ्वी की जेल सुनाई जा सकती है। यह ऐसा न्यायालय है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यहां पर देवों को भी कोई नहीं बख्शता, यहां पर सीधे स्थावर की सजा सुनाई जाती है, कोई गुंजाइश नहीं यहां पर, नो रिकमेंडेशन, किसी की भी सिफारिश यहां पर नहीं लाना। आप समझ रहे, कानून तो सच्चा यहां का अंधा है, अंधा कानून समझते हैं, लोक के कानूनालय तो, लोक के न्यायालय तो कानूनालय बस है, न्यायालय तो अपना जैन दर्शन है। देखिए आपने, यहां पर है एक फोटो में, अंधा कानून कहते उसको, अंधा कानून जो छोटे बड़ों किसी को नहीं देता, देखता सबको बराबर तुला पर तोलता है। लेकिन मैं कभी कहता हूं, लेकिन कभी कभी पट्टी नीचे भी सरकती रहती है, कभी पैसे के वजन से, कभी प्रतिष्ठा के वजन से, बहुमत के वजन से, सब होता है यहां पर। वैसे बात कहां तक आई थी, अकृत पुण्य की बात ली थी थोड़ी, अब मुझे कुछ और बात बतानी थी। हाँ, हमने कुछ नया इवेंट खड़ा किया। क्या इवेंट हो, दो बच्चे सामने खड़े किए, हमको देखना है जीव नित्य है, कैसे लोक में से कैसे स्टडी करेंगे। ग्रंथों में तो सब लिखी ही है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो। भगवान ने लिखी है इसलिए हम माने, ऐसी गुलामी नहीं करेंगे हम फालतू की, मोहपत की। अब समझ में आती है, और यदि गुलामी करते हैं तो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा था आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ है। क्या कहा था, ब्लाइंडली फॉलोअर्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हमको, क्योंकि केवल बातों ही से जो हमको स्वीकार करते हैं वे कल किसी और की अन्य प्रकार की बातों से उनको स्वीकार करेंगे। समझदारी इसमें है, वो हमको परखे, हमको स्वीकार करें, हम कहें और वो स्वीकार करें, समझदारी नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग टूट फूट जाएगी बहुत जल्दी। परख कर पेशेंस, पेशेंस से परीक्षा करो, और फिर सच्चा दुकान देखो, ग्राहक देखो, ग्राहक की पॉलिसी सब। हम कहीं पूछ करने आए हैं, आपका विश्वास करके हमारे पास, हम आपके पास आए हैं, हमको अच्छे से माल दे देना, हम कहीं किसी को नहीं पूछते, विश्वास से आपके पास आए। सच्चा दुकानदार वो है, वो जो कहता है आप ऐसा मत बोलिए, आप 10 दुकान छानबीन कर आइए। और मूर्ख दुकानदार होता है वो बहुत खुश होता है, बोलिए बोलिए, खुश होता है, वो कोई सस्ता वस्ता लगाने नहीं वाला है, सस्ता तो वो लगाने नहीं वाला है, लेकिन वो सोचिए आ गए लपेट में आ गए। सजग दुकानदार वो है जो ग्राहक को सजग करे, कि तो वहां सस्ता है, जरूर वहां से लीजिए, वहां से ही लीजिए आप, गुस्से से नहीं कहता वो, और कहते हो सुनिए ये ओरिजिनल का ब्रांड देखकर ही लेना आप भी। और जब भी किसी को कोई माल बेचता है ओरिजिनल का माल ब्रांड दिखाकर ही बेचता है। पापा आप क्यों दिखाते हो ब्रांड, जब उसने पूछा ही नहीं था। हम ग्राहक को सजग करें, सच्चा दुकानदार तो ये होता है, ब्लाइंडली कोई एक्सेप्ट करे ऐसा हमको कोई नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये ग्राहक भी टूट सकता है हमारा। दो बच्चे हमने खड़े किए अभी, अब दोनों को बच्चों को हम देखो थोड़ा सा। मेरे देखने में सब प्रकार के बच्चे हैं, आप आपके दिमाग में भी होंगे सब। कोई एक बच्चा ऐसा होता है, देखिए बिल्कुल छोटी की बात करता हूं, 4-5 साल के बच्चे, आप भगवान का रूप सब बच्चे होते, ये दिमाग से उतार दो अभी थोड़ा सा। एक बच्चा बैठा सभी ग्रुप में, अब वो ढंग से नहीं बैठता, वो छोटी खींचेगा किसी की, फिर किसी को आएगा पीछे से लात दे देगा, बिल्कुल चुपचाप है सब, ऐसे लोग होते, पकड़ेगा शर्ट, पकड़ेगा, गिराएगा, मारेगा, फोड़ेगा, कुछ भी। और वही दूसरा लड़का है, उसको कोई बाल भी खींचे वो ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे, दोनों प्रकार के देखे होंगे,
उसके माँ बाप उसको समझाते हैं तू क्यों सहन करता है, तुम भी एक के बदले दो जमाना था तुमको भी, हमको ये अच्छी विद्या दे रहे, ये नहीं सिखाना मुझे, मुझे तो अभी मुझे बाकी नहीं सिखाना है, मुझे जीव है वो नित्य है, फिर ये नहीं कहना मैं मर जाऊंगा। अपने परिणामों का बीज लेकर तो आगे बढ़ता ही है। हमारा सब कुछ नाश हो गया इस ऐसा भी कभी नहीं बोलना। अपनी संपत्ति अपने साथ ही चलती है, जो पराया धन था वो यही रह जाता है, चोरी का माल मोरी में ही जाता है। क्या बोला? अपने बाप का था कहा, अपना कहा था वो जो अपने पास आएगा। एक सूक्ति आपने सुनी होगी, जो जाता है, बोलो, जो जाता है सो मेरा नहीं और जो मेरा है सो जाता नहीं। अब तुम मैथमेटिशियन हो, तुम नक्की करो, जो जो अपने साथ आएगा वो अपना है, परमार्थ से ऐसा ही है। भव भवांतरों में हमारे परिणाम ही अपने साथ चलते हैं, परिणाम उसका फल कर्म यही सब चलता है। दो बच्चे हैं तो एक की ऐसी वृत्ति है और एक की ऐसी वृत्ति है, इसको देखकर कुछ निष्कर्ष करो। आप निष्कर्ष ये करो, मां बाप ने तो ऐसा कभी नहीं सिखाया इसको, मां बाप तो इसको चुप करना चाहते हैं, और मां बाप इसको क्या कह रहे हैं, तुम बर्दाश्त मत क्या करो, एक के बदले दो जमाए करो, तुम दोनों मां बाप के खिलाफ है वो। लेकिन एक ऐसा कैसे, थोड़ा विचार करो, एक नरक से आया है, एक देवगति से आया होगा, मनुष्य से आया होगा। एक जन ऐसा होता है, सब है मेरे देखने में, मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता, सबको दिया गया है कोई मिठाई, फीस सबको दी गई, लिया दूसरों की थाली का सीधा मुंह में, एक कौर में, और अपना तो है ही एक हाथ में दबाए वाला उसका, और दूसरा वो होता है जो बस देखता रहता है, वो एक्शन कुछ नहीं लेता उस पर, मेरा है इतना भी कहने की दम नहीं रखता, वो ले रहा है लेने दो चुपचाप, और घर पर आएगा गुमसुम जैसा, मम्मी को ये नहीं कहेगा उसने मेरा ले लिया कुछ लिया। तुम्हें बताना चाहिए था ना, माँ बाप झगड़ने के लिए जा सकते हैं, वो चुप अपना बैठा रहता है। आप समझ रहे हैं, किसी का ऐसा संतोष परिणाम होता है जो है सो हो, फिर बिगाड़ते हम हैं सुधारने के नाम पर। क्या क्या बिगाड़ते हम हैं सुधारने के नाम पर, तो फिर कैसे कैसे वो व्यवहार में कैसे चलेगा। और फिर व्यवहार में चलाना सिखा कर, फिर 50-60 की उम्र में फिर कहते हैं धर्म करो, अभी ये है हमारी अकल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सीधी उंगली को पहले टेढ़ी कर रहे जोर लगाकर, और फिर टेढ़ी करके तुम्हारे बाप के भी बस की नहीं है उसको अभी सीधी करना, हो गई वो टेढ़ी, अब थोड़ी सीधी होती है वो, अनादि का संस्कार है। चारुदत्त के घर वालों ने चारुदत्त की शादी हो गई, यह बच्चा ऐसा क्यों है। जानते चारुदत्त की कथा, ये जैनेतरों में भी ये कथा है, हिंदुओं में भी कथा चारुदत्त के नाम पर है, श्वेतंबरों में है, बौद्धों में भी है, सेम। चारुदत्त बहुत धर्मात्मा जीव था, उसको तो शादी करना ही नहीं थी, शादी होने के बाद पत्नी की तरफ देखता ही नहीं था, माता पिता को चिंता हो गई इस बात की कि व्हाई इज ही एबनॉर्मल, क्या क्या कहते उसको, व्हाई इज ही एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल क्यों है, ये सबके शरीर का क्यों नहीं है, ये शादी तो हो गई थी, फिर पत्नी भी उलाहना देती, सास ससुर भी आकर उलाहना देते, इसमें कौन पीछे रहेगा। फिर माँ बाप ने भी आखिर सोच ही लिया, बच्चा थोड़ा सुधरने के लिए मंगलायतन नहीं तो मंगलायतन भेजा जाए, सुधारने के लिए मतलब उनको बिगड़ा दिख रहा है ना बच्चा अपना। फिर वहां पर और जो देवांगना समान अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखता था वो वैश्य की तरफ कैसे देखेगा, लेकिन क्या करे, विभाव का संस्कार जोर मारता ही है, इसलिए हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। क्या कहा बोलो, उस गली से ना गुजरना, ने भाव तो अच्छे है, नहीं गुजरना। दूध कलारन हाथ लकी, बात को पूरी करो, शराब समझे हर कोई,
कलारन होती है, कलारन शराब पीना पिलाना काम, बेचना बिकना काम, कदाचित दूध भी हाथ में ले वे, दुनिया तो उसको शराबी कहेगी। परमिट रूम में बैठकर, बियर बार में बैठकर कोई बैठा भी रहेगा तो बदनामी तो उसकी होगी, ऐसा सहयोग करना ही नहीं। आइए अपने प्रकरण पर, दो बच्चे हमने खड़े किए। एक बच्चा ऐसा है जो यहां से वहां भी जाएगा वो सीधा नहीं जाएगा, ये बेंच है ना, पहले इसको जोर से ठोकर मारेगा, दूसरे को भी पलटा देगा, सब ऐसा ऐसा करके सब गड़बड़ करके चला जाएगा। बहुत बहुत, अब देखो सृष्टि को देखो आंख खोल के, सब प्रकार के जीव दिखते हैं। और कोई गिरेगा भी तो पहले उसको ठीक करने को देखेगा, उसको कहना पड़ेगा भाई तुम जाओ हम सब ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। ये दोनों प्रकार के जीव क्या दिखाते हैं। और घर में खूब खिलाओ उसको, फिर भी जब भी पड़ोसी के यहां जाएगा वो कहर मचाए बिना नहीं रहेगा वहां पर। और ये क्या है, वो क्या है, आंटी किशमिश, आंटी किशमिश, किशमिश देना, किशमिश देना, काजू देना। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं घर पर भी, उनको कितना ही आग्रह करो भोजन के लिए, कितना ही मनाओ आप, खा लो ना, एक कोर के लिए कितना तरसाता है ये, दूसरों के घर की छोड़ा अपने ही घर में परेशान करता है। एक तो खाने के लिए परेशान करते, एक तो एक को खिला खिला के परेशान हो गए, फिर भी दूसरी घर जाकर रोजाना कुछ ना कुछ झगड़े लाता है। ये कैसे हो गया ऐसा, ये पूर्व भाव का संस्कार लेके आया है। हो सकता है कोई कंजूस हो सकता है भिखारी, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कहीं नरक आदि से ही आया हो, कहीं से भी आया हो, होता है ऐसा भाव। कोई मेरा 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 कहता है कोई भी वस्तु को देखकर, और कोई अपनी वस्तु भी कोई उठाता है, चुप बैठता है, देखता रहता है, वो ले भी जाए कुछ नहीं बोलता उसको, तू ले तुम खेलो, ऐसा ऐसा करता रहता है, उसको उसमें मजा आता है। और कोई कोई भी चीज दिखी, दूसरों की भी चीज दिखी, मम्मी ये मेरा है, बस हड़प लिया उसका। ये पूर्व भाव का संस्कार अपना अपना लेके आता है। ये बच्चों में हम देख सकते वो कहां से आया है। इतना आप सब समझ रहे हैं, अभी नेक्स्ट फेज अपनी थोड़ी चर्चा करते हैं। दो बुड्ढों को खड़े करो अभी, दो 88 ईयर्स ओल्ड के खड़ा करना पड़ेगा अभी, 80-80 साल के। अब आप सब समझ गए होंगे, 70-80 साल के दोनों को खड़ा करो। वैसे स्वाभाविक रूप से यह होता है, देखो जीवन भर में कितना भी पाप किसी ने किया हो, बुढ़ापे में उसको कुछ बोलो तुम ये करने, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है धंधे आदि में। एक सामान्य कथना भी कर रहा हूं, फिर दोनों को बाद में खड़ा करेंगे। जीवन में कितना भी पाप किया हो उसने, मरण के समय वो अत्यंत भयभीत रहता है, और एकदम उसको उसको शायद परलोक की अनुभूति उसको हो चुकी है। इसका स्ट्रॉन्गर परिचायक है कि ये जीव मरता है और दूसरी गति मुझे मिलेगी, ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर मुझे एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। यहां पर मैंने कितने जनों को चकमा लगाए, लेकिन कर्मों की आंखें नहीं होती, कर्मों के सामने हाथ गिड़गिड़ाने से तुम्हारी कोई रिहाई नहीं है वहां पर। और कुदरत के कंप्यूटर में बोलो कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई भूल नहीं, कोई मैनेज नहीं कर सकता उसको, सोर्स से, फोर्स से, किसी भी रूप से, चापलूसी से, दादागिरी से, जोर लगाकर ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ नहीं चलता कर्म फिलोसॉफी में। तीर्थंग हुए तीर्थंकर से बलि, बोलो हुए तीर्थंकर से बलि, उनकी भी नहीं चली कि मौत नहीं टली। सगर चक्रवर्ती ठेठ सातवां नरक, आज जो छह खंड का अधिपति है डायरेक्ट सातवां नरक। आप समझ सकते हैं कुछ नहीं होता यहां पर, जैसा परिणाम किया डायरेक्ट, कोई सुनवाई नहीं। यहां पर तो थोड़ा कंसिडरेशन हो सकता है, साहब आज कमरा नहीं खाली करता हूं कल तो गवर्नमेंट भी कहते ठीक है यार, ठीक है चलो इतना चलेगा, इतना तो चलेगा। वहां पर ऐसा कुछ नहीं चलता, चेकआउट ऑर्डर आता है तो फिर वो सब अपनी सामग्री लेके आता है, वहां पर आपकी कोई नहीं सुनता क्योंकि उनके कान ही नहीं है। कहां तक आए, मैं तो ये कह रहा हूं बुढ़ापे की तरफ जो है डरा डरा सा है। गुणभद्र स्वामी ने तो ऐसा चित्र खड़ा किया, ये लाठी हाथ में क्यों लिए जानते हैं, क्योंकि बहुत डर गए। ये कब क्यों रहा है जानते हैं, क्योंकि ये डरा है, ये बहुत डरा है क्योंकि जीवन भर जो पाप किए हैं अब मेरा क्या होगा, इसलिए कप रहा है, अभी से ही कप रहा है।
मैं तो इतना ही सिद्ध करना, भव भव अंतर है, नहीं तो ये क्यों डरता फिर, ये कहे से नहीं, इसको अनुभूति हो रही है, कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा। अभी दो वृद्धों को खड़ा करना है अपने को, एक कोई वृद्धा ऐसा है देखिए थोड़ा 70-75 साल की उम्र हो जाए, अभी उनमें बहुत जोश है, वो अभी भी पैसा कमाना है, अभी भी करना है पैसा पैसा, फिर इनका तुम्हारे 2 रुपए नहीं आए कल का, क्या बात है तुम, और उस दिन के 20 रुपए का क्या हुआ, बराबर। कभी भी वो आदमी रास्ते पर दिखे सब भूल सकता है, इससे 20 रुपए मेरे को आने हैं। प्रयोजन पर दृष्टि होती है बनियों की, कितनी भी भीड़ में और शादी ब्याह के सेरेमनी में मिले, अब वो कहीं भी मिले, स्वाध्याय में भी मिले, ये आगे जो बैठा है ना, आगे बैठता हूं हमें हाथ डोल रहा है, इसकी उधर ही थके, इसकी मैं क्या बताऊं तुम्हें, और जो प्रक्षाल करता है ना चकमा लगा रहा है भगवान को तुम्हारे 20 रुपए के पीछे, इतनी भावनाएं खराब होती है उसका, तो प्रक्षाल करना तो ऐसा दंभ दिखता है हमको, केवल 20 रुपए का बात है, समझ लेना वो दुर्गति होने वाली है उसकी, समझ में आता है। इस मामले में लाल बहादुर शास्त्री जैसी रीति नीति होना चाहिए, क्या हमने तुमको पैसा दिया, तुम हमको सामने से आते दिखे, लाल बहादुर शास्त्री ऐसा करते थे, दिखे हम रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चले जाए, क्यों वो मुझे देखेगा बेचारा शर्मिंदा ना हो जाए, उस पर क्या आपत्ति हुई होगी, वो मुझे देखेगा उसको फिर नीचे गर्दन झुकाना पड़ेगी, श्रीमद श्रीमद के वचन बोलो, बोलो श्रीमद दूध पी सकता है खून तो नहीं पी सकता, इज दो वृद्ध है 70-70, 80-80 साल हो गए, बराबर अभी भी उनको एक का दो, दो का तीन, तीन का और बेटा नालायक के नाम पर, बेटा असमझदार के नाम पर, किसी भी नाम पर निवृत्ति नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते, निवृत्ति नहीं लेते, समझ लेना चाहिए बहु आरंभ बहु परिग्रह का भाव है, बहुत दुर्गति होने वाली। और किसी का यह भाव है बहुत क्या बहुत क्या, अब कुछ हमको धर्म ध्यान में लगना है, ये अभी किचकिच नहीं करना है, अब बेटा अभी जो करेगा कब तक देखते रहे हम, भाई जब पूछने कुछ आएगा तो बताएंगे, नहीं तो वो जाने भाई ठोकर लगेगी तो सीख लेगा, हमको किसने सिखाया था, ठोकर लगकर ही तो सीखता है, जो ठोकर लगकर सीखता है वो सच्ची शिक्षा है, हम उसको कितना प्रोटेक्शन देकर आगे बढ़ाएंगे वो सीखने दो उसको, ठोकर लगने दो, गेम है ये गेम है। मैं तो मराठी में एक बात कहता हूँ, साइकिल सिखाई है तो गुड़गे तो फूटना, घुटने फूटे बिना साइकिल कहाँ से सीखेगा, ऐसे थोड़ी काम चलता है, नाका तोंडात पानी गेल्याशिवाय, मुंह में नाक में पानी जाए बिना तैरना ऐसा थोड़ी ना कोई सीखता है, तुम ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसी सेटिंग करो ऐसे, अरे उसको ढकेल दो तैरना सीख जाएगा, झटपट उपाय है ये। एक को ये है और एक को निवृत्ति का भाव आता रहता है, एक को समाधि की भावना, घर वालों को बुलाते हुए कहता है मेरे बाद ऐसा करना ऐसा करना, फिर मुझे सब समझ पूरी समाधि की योजना करता है, फिर मेरी प्रतिकूलता है तुम मुझे नमोकार मंत्र सुना, वो छोटों को बुलाता है वही चर्चा करता है, बहुओं को बुलाता है धर्म की चर्चा करता है, सबको बुलाता है धर्म की चर्चा करता है, जीवन भर जो किया वो गृहस्थ आश्रम कौन से पाप को पाप से कम है, लेकिन अब वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम वान जंगल में नहीं जा सके तो घर में तो रहकर कम से कम तो कुछ सुधार हो। 60 साल के बाद नियम तो यह था कि आउट, आप तो जानते हैं ना सब, ब्रह्मचर्य आश्रम बोलो, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम कहे हैं, आफ्टर 50 तुमको बाहर निकलना चाहिए था, ऐसे घर में घुस के बैठोगे और इज्जत चाहोगे तेरे को कौन इज्जत देगा, तू जाने का नाम नहीं ले रहा है कमबख्त, तुम्हें अभी निकलना चाहिए था यहां पर, तेरा वैराग्य देखकर तुमको कितना सम्मान मिलता, लेकिन जाने जानते हैं ये कहीं नहीं जाता, यही रहेगा ये, ऐसे जीव मर के साफ हो सकते हैं जो धन संपत्ति की रक्षा करते हैं। मुझे वो नहीं बताना कौन से कर्म से क्या होता, मुझे यह बताना है जीव है, जीव की नास्ती नहीं होती कभी, जीव है उसकी अवस्था बदलती है, मुझे तो बताना तो इतना ही है, दूसरे एस्पेक्ट से भी इसको विचार कर सकते हैं लेकिन वो एस्पेक्ट अभी नहीं बताना। फिर जहां पर धन की रक्षा करने योग्य, फिर प्राय सुनने में आता है ऐसा, वहां वहां रक्षा के रूप में कभी कुत्ते के रूप में, कुत्ते की विशेषता है, गधे की भी विशेषता है, गधा मजूरी कहते हैं ना, गधा मजूरी, गधे को कुछ भी मत खिलाओ, गधे जानते हैं गधा ना,
उसको तो कुछ भी मत खिलाओ। और कोई नहीं खिलाता गधे को, किसने गधे को खिलाते देखा है, पालते हुए देखा है, किसने देखा है क्या? नहीं देखा। गधा ऐसी चीज है, उसको भर ढो, उसको बराबर यहां से वहां डाल देगा और फिर उसको छोड़ दो, दिन भर जा खाए सो खाए, नेक्स्ट डे 7 बजे दरवाजे पर फिर अगेन साहब कुछ दे दो ना, ले लो। गधा मजूरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गधा मजूरी। तो गधे बन सकते हैं, कुत्ते बन सकते हैं, रखवाली करते हैं दुम हिलाकर, संपत्ति कोई नहीं छोरा ले जाए ना हमारे। और विचार करें अभी, ये धन संपत्ति का हो, अभी थोड़ा और। बुढ़ापा होने पर भी किसी किसी को यह भाव आता है कि हम बराबर टिप टॉप रहे, रोज के रोज शेव हुए बिना, ऐसे बुढ़े हैं 80-90 साल के रोज शेव। मैंने मजाक नहीं करता हूं, मैंने मेरे आंखों से देखा है, शेव ऐसी करते हैं, बराबर यहां से घुमाते हैं, फिर यहां से घुमाते, कहां से घुमाते, कहां, एक बाल नहीं दिखना, जैसे इसी के पोते की नहीं, अभी इसी को बैठना है वहां पर जाकर। हाय हाय, डर ही नहीं लगता इसको। बुधरदास जी ने एक छंद लिखा, मैं तो भूल रहा हूं अभी कौन सा है वो छंद, ऐसे लिखा कि मौत को देखकर अभी भी डर नहीं लगता। राग ही सो पाग रहे तन में सदीव जीव, राग जाए सुझत असार खेल सारे है। राग ही सो जग रीति झूठी सब साची जाने, राग जाए सुझत असार खेल सारे है। आप समझ रहे बात को? राग चला गए तो सब असार दिखने लगता है फिर। अब ज्यादा उपयोग नहीं उलझाना मुझे, जो भी छंद होगा, लेकिन ये लाइन मैंने सही कही है। और कोई कोई ये फिर वो तो बराबर आज भी कहीं भी जाना है बराबर ब्लैक, और आज भी इनके अलमारी खोलो, इनको 5-25 सफारी ड्रेस मिले बिना नहीं रहेगा, आज भी इनको कड़क चाहिए कड़क। कितनी झुर्रिया खा रही है, कैसा शक्ल हुई है इसकी कौन देखेगा, लेकिन अभी भी एकदम ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, समझ लेना बहुत बड़ी दुर्गति है इनकी। ये मैं नहीं कह रहा, कर्म फिलोसफी से आप दिमाग लगाओ ना, दिमाग तो है ना, दिमाग लगाओ। अभी भी लगता है इसकी पॉलिश करें हम, जो हमारे साथ नहीं आएगा। बहु आरंभ बहु परिग्रह के आलो, मेरे को दूसरे कोई ख्याल में नहीं आ रही बात। बराबर टिप टॉप अभी भी लगता है, बराबर अभी भी टी शर्ट पहनते हैं, इन शर्ट करते हैं, बराबर दे वॉन्ट टू लुक यंग। और कुछ ऐसे होते हैं फिर अपना बुढ़ापे के देख कर फिर सादगी अपना जीवन, जिससे आरंभ नहीं हो, परिग्रह नहीं हो, परिमाण करने लगते हैं, मर्यादा करने लगते हैं, इससे हम उनके आगे की गति नाप सकते हैं। आप सब समझ रहे बात को? मैं इतना क्यों बता रहा हूं, कौन कहां से आया, कौन कहां जाएगा, ये विचित्र परिणाम, ये कुछ ना कुछ दर्शाता है हमको। वो ये दर्शाता है गतियां है चार, और उस योग्य परिणाम भी जीव के होते रहते हैं। फिर जो जितनी मात्रा में खान पान में, अरे बुढ़े कोई ढंग के होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब मरने को होते हैं, ये चाहिए न, वो चाहिए न, कितनी लालसा खाने में, दूध क्या शक्कर में डाला क्या आज, अरे तेरे को सब फीका दिखना चाहिए था, सब फीका दिखना चाहिए। अब समाधि की बेला है अपनी, हम घर नहीं छोड़ सके, जंगल नहीं पड़ सके, ग्रहण कर सके, हम कपड़े नहीं उतार सके, कितनी अशोभनीय बात है। शेमलेस क्रिएचर, शेम ऑन, हमको कितना अपराध बोध चाहिए उसका, क्या बात है, नमक तो डालेंगे, कैसे बनती है सब्जी, अच्छा ऐसे डालते फिर वैसे डालते, फिर एक काम करना लिख कर देना, लिख कर देना, घर पर जाएंगे खूब ऐसे।